दोस्तों आज है 22 अगस्त 2019, और 22 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। अभी दोस्तों रिसेंट में एक साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने साफ तौर पर यह कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पृथ्वी का अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब ये जो मानव जाति है इसका पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा और मानव खुद ही अपने अस्तित्व को खत्म करने का कारण भी बनेगा। जिस तरीके से पर्यावरण चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस तरीके से बहुत ही चिंता का विषय है कि इस पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है। इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर क्या दिया गया है उससे बना है आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आपको भी पता है जो लोग करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर देखते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि अभी रिसेंट में नासा क्या कर रहा है। नासा नॉर्थ पोल पर जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जिनको कहते हैं बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जो कि कभी भी पिघलते नहीं थे, लेकिन अभी रिसेंट में ऐसा पाया गया है कि बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे उनकी बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई है और वो बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से पिघल रहे हैं, जिस वजह से नासा ने भी रिसेंट में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से वहाँ पर निगरानी करने का एक प्रोजेक्ट चलाया था। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, लेकिन अभी आज का जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है कि आइसलैंड नाम का एक देश है, उस देश के पास में ग्लेशियर है, मतलब बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ था जो कि पिछले 700 सालों से वहां पर खड़ा हुआ था। 700 सालों से खड़े हुए इस बर्फ के पहाड़ को पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, इसको डेड घोषित कर दिया गया है, मतलब उस पूरे पहाड़ की बर्फ पिघल कर पानी में मिल गई है। आप यहाँ पर दो फोटोज देख रहे होंगे, सबसे पहले देखो ये ग्लेशियर है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये ग्लेशियर 700 साल पुराना है जिसमें कि बर्फ का बहुत ऊंचा पहाड़ था। चूंकि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गई है, कार्बन इतना ज़्यादा उत्सर्जित किया जा रहा है, अब आप ये सेकेंड वाला फोटो देख सकते हो, इस फोटो में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि पूरी बर्फ वहाँ से गायब हो चुकी है। अब इसको लेकर क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा कि जलवायु परिवर्तन के कारण, फिर से समझना, जलवायु परिवर्तन के कारण आइसलैंड के किस ग्लेशियर ने अपनी पहचान खो दी है, मतलब वो ग्लेशियर खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ओक जोकुल नाम का एक आया वहां पर ग्लेशियर था जो कि अब अस्तित्व में नहीं रहा, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक बार फिर से देख लेंगे कि आइसलैंड का एक ग्लेशियर है जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसका नाम है ओक जोकुल, और कुल मिलाकर 400 से भी ज्यादा ग्लेशियर उस रीजन में पाए जाते हैं। मैं आपको सभी फोटो यहां पर दिखाऊंगा। ये घटना कहां पर हुई है? आइसलैंड नामक एक देश पर हुई है। तो यहां पर सबसे पहले उस ओक जोकुल नाम के ग्लेशियर को आप देखेंगे, ये इस तरीके से हुआ करता था और अब ये यहां पर फिनिश हो चुका है। इसको देखने के बाद में आपको एक दूसरा मैं आपको व्यू दिखाता हूं जिसमें कि आइसलैंड देश आपको यहां पर दिख रहा है, उसी के बगल में छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं, ये रहा ओक जोकुल जो कि अब पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और इस पूरे रीजन में छोटे 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 बहुत सारे इस तरीके से ग्लेशियर हैं जिनके बारे में भी बड़ी चिंता हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो देश है आइसलैंड ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रसिया देखो यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यूरोप यहाँ से ख़त्म हो रहा है, रसिया जहाँ से ख़त्म होता है, यूरोप जहाँ से शुरू होता है, उसके बीच में ऊपर की साइड में ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है इसी देश को बोलते हैं आइसलैंड। बड़े बड़े ग्लेशियर से मिलकर ये बना है। और यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इस पूरे रीजन में शोधकर्ता हैं उन लोगों का कहना है कि हमें तत्काल प्रभाव से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पूरी तरीके से रोकना होगा। और आप भी ये चीज़ जानकर शॉक्ड हो जाएंगे, अगर मान लो जिस दिन हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसी दिन हम अपना जो कार्बन उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन, उसको जीरो कर दें, जो कि हालांकि कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो हम आज की डेट में इसको जीरो कर देते हैं, बिल्कुल भी हम कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगे, तो भी हमको 2 सदी लग जाएगी इस सामान्य स्थिति में आने में, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आने में 2 सदियां लग जाएंगी। तो हम लोग आज की डेट में इसको जीरो नहीं कर सकते, यानी कि दिन ब दिन जो है पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अभी चेन्नई में पानी खत्म हो गया था, शिमला में पानी खत्म हो गया था, धीरे धीरे करके बाकी शहरों में भी पानी खत्म होने की समस्या शुरू हो जाएगी। तो सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे इसको लेकर। दोस्तों मुझे बहुत पहले से ही स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे चंद्रयान 2 मिशन हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ। इसी को लेकर देखो एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने
अपने कार्यकाल का कितना वर्ष पूरा कर लिया है? तो देखो, नासा का एक मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। इसका अभी रिसेंट में 1 साल पूरा हो गया है। ये मिशन जब लॉन्च किया गया था तभी से मैं इस मिशन के बारे में लगातार पढ़ रहा हूँ। जिस तरीके से चंद्रयान 2 अभी जो लॉन्च किया गया था, जो कि चंद्रमा की कक्षा में अच्छे से पहुँच चुका है, चंद्रमा पर लैंड होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है, देखो चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा के ऊपर एक मिशन है, ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सन यानी कि सूर्य के ऊपर एक प्रोग्राम है, एक मिशन है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर एक फोटो दिखा देते हैं। ये आपको लाल कलर से जलता हुआ धधकता हुआ ये आपको सन दिख रहा है यानी कि सूरज दिख रहा है, और ये पार्कर सोलर प्रोब आपको दिख रहा है जो कि सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे पार्कर सोलर प्रोब किस चीज़ का अध्ययन करने गया है, तो आपको बताओगे सूर्य का अध्ययन करने गया है। दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज हैं, सबसे बड़ा मिशन है अभी तक का जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक जाकर जो इस मिशन को संपन्न करेगा वो है पार्कर सोलर प्रोब। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियोस को देखते हैं, कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनता है। और जितने भी आपके साथ में व्हाट्सएप पर दोस्त जुड़े हुए हैं, सभी के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं किसी को देखने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करेंगे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, मैं और भी फैक्ट्स जोड़ जोड़ कर बहुत अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। लाइक्स देखकर वीडियो दिल खुश हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बना है, भारत के पूर्व मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह को हाल ही में किस राज्य का राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है? तो मनमोहन सिंह के बारे में सभी लोग जानते होंगे, मोदी जी से पहले वही प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनको अभी रिसेंट में राजस्थान राज्य के द्वारा राज्यसभा सदस्य चुन लिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं, नामांकन के टाइम पर ये सदस्यता मिलने के बाद में इनका फोटो देख सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आपको यहाँ पर पीछे दिख रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में इस समय मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिना गूगल किए। आगे चलते हैं, इसके बारे में और भी जानते हैं। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं राजस्थान की तरफ से, राजस्थान और इस तरफ मनमोहन सिंह का फोटो, यानी कि राज्यसभा की जो सदस्यता है वो मनमोहन सिंह को राजस्थान सरकार राजस्थान से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दें, वे 1991 से 2019 तक वो लगातार 5 बार से असम से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। कहाँ से? राजस्थान से। पहले वो असम से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके बारे में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा, स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है आईकिया। इसका आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से ये अपना मॉल खोलती है, ये अपना स्टोर जो है बहुत बड़े एरियाज में खोलती है। और जब भी ये अपना स्टोर खोलती है तो ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पर देखो, पिछले साल हमने क्वेश्चन किया था कि जब इसने भारत में अपना पहला स्टोर खोला था, तो स्वीडन की कंपनी, सबसे पहला प्रश्न तो बन गया, आईकिया किस देश की कंपनी है? तो ये स्वीडन की कंपनी है। इसने भारत में पहली अपना जो वो ऑफिस खोला था, स्टोर खोला था, वो कहाँ पर खोला था? वो खोला था हैदराबाद में। अब देखो, दूसरा स्टोर इसने ओपन कर लिया जिसको लेकर क्वेश्चन बनेगा। स्वीडन की प्रमुख कंपनी आईकिया ने हाल ही में भारत के किस शहर में अपना ऑनलाइन स्टोर खोला है? तो अगर 2019 की बात करी जाए तो अभी रिसेंट में इसने मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसने मुंबई में अपना दूसरा स्टोर खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्टोर कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आपसे पूछा जाए इसने पहला स्टोर कहाँ पर ओपन किया था, तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, हैदराबाद में इसने अपना पहला स्टोर खोला था। अब देखो, इस स्टोर के अंदर में होता क्या है, इस स्टोर में घर की साज सज्जा का सामान होता है, फर्नीचर होता है, बेड होता है, और घर की सजावट के लिए जितना भी इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सामान होता है, सभी सामान यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है? अगला प्रश्न बना है कि BCCI ने किस क्रिकेटर पर लगे हुए लाइफ टाइम बैन को घटाकर 7 साल का कर दिया है, यानी कि 7 ईयर्स का कर दिया है। तो यहाँ पर BCCI ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है कि उसने श्री संत, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री संत जो कि भारत के क्रिकेटर रह चुके हैं, उन पर एक प्रतिबंध लगा था कि वो लाइफ टाइम BCCI की तरफ से नहीं खेल सकते हैं, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। उनके प्रतिबंध को घटाकर अभी 7 ईयर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एक फोटो दिखा देते हैं जिसमें कि आप BCCI का फोटो देख सकते हैं, इस तरफ आप श्री संत का फोटो भी देख सकते हैं। ये चीज़ अनाउंस करी है
बीसीसीआई के लोकपाल जिनका नाम है डीके जैन। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी छिपा हुआ बन सकता है कि बीसीसीआई के लोकपाल का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा डीके जैन, बीसीसीआई के लोकपाल का नाम है। श्री संत पर जो बैन लगा था उसको घटाकर 7 साल कर दिया है, और पिछले साल ही 6 साल उसके पूरे हो चुके हैं और अगले साल से 7 साल उसके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में वो क्रिकेट खेल सकते हैं। हालांकि मैं ये सोच रहा था क्या श्री संत इंडिया की टीम में आ सकते हैं, तो मैंने इनकी एज को भी चेक किया था। हालांकि ये चीज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मेरे इंटरेस्ट में था इस वजह से आपसे बता रहा हूँ कि मैंने देखा था इनकी जो एज है इस समय वो 36 साल दिखा रहा है, और युवराज सिंह जो कि रिटायर हो चुके हैं उनकी एज दिखा रहा है 37, और धोनी की जो ऑफिशियल एज है वो दिखा रहा है 38। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है श्री संत के पास में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। हालांकि वो घरेलू क्रिकेट या और भी अलग सीरीज़ में खेल सकते हैं अगर वो फिटनेस को बराबर रखते हैं। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भूमिगत बंकर म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन डी यहाँ पर थोड़ा सा इसमें। ओके, तो दोस्तों इसको सीधा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मोबाइल स्पेस की प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन बना है कि देखो ये भूमिगत बंकर की बात कर रहे थे जिसको अभी रामनाथ कोविंद ने जिसका उद्घाटन किया है वो किया है मुंबई में, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है, म्यूजियम तो आप सभी लोग जानते हो कि जहाँ पर चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, और भूमिगत यानी कि ये जो प्रदर्शनी होगी ये अंडरग्राउंड होगी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देखते हैं। अभी दोस्तों आपने पिछले साल की न्यूज़ है, आपको आपने सुना होगा कि मुंबई के पास में एक भूमिगत बंकर मिला था, वो अंग्रेजों के समय का था। अंग्रेज उस समय अपने जितने भी युद्ध लड़ने के लिए सामग्री होती थी उसको इस गुफा में छिपाते थे, बंकर में छिपाते थे, जहाँ पर इस म्यूजियम को खोला गया। इस म्यूजियम की फोटोज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सब कुछ भूमिगत बनाया गया है, मतलब ये सब कुछ ज़मीन के अंदर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद जी इस अवसर पर उपलब्ध रहे हैं जिन्होंने इस पूरे इस बंकर का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न क्या बना है। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किस पैरा स्विमर ने अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार कर लिया है? तो यहाँ पर देखो भारत के एक पैरा स्विमर है जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के पैरा स्विमर, या पैरा स्विमर का मतलब हो गया जो फिजिकली जो होते हैं जिनका थोड़ा हाथ या पैर कुछ खराब होता है, ऐसे लोगों को पैरा नाम से बोला जाता है। तो ये जो पैरा स्विमर हैं इन्होंने जिनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, उन्होंने अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार कर लिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि आप इनको तैरते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने साथ ही साथ में ये अमेरिका के कैटलिना चैनल के साथ साथ में इंग्लिश चैनल भी पहले पार कर चुके हैं, और इन्होंने कुल 11 घंटे 34 मिनट में ही इस 42 किलोमीटर लंबे कैटालिना चैनल को पार कर लिया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इस समय केंद्रीय युवा मामलों के जो खेल मंत्रालय जिनके हाथ में है उनका नाम है किरण रिजिजू। साथ ही साथ में दोस्तों अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स टारगेट स्टडी आईक्यू के जो पीडीएफ है उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। जिन लोगों ने पिछले एक साल का करंट अफेयर्स परचेज नहीं किया है वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिस पर जाकर परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, हाल ही में किसने भारतीय सेना को मोबाइल मेटेलिक रैंप का डिज़ाइन सौंपा है? तो भारतीय सेना के लिए मोबाइल मेटेलिक रैंप का जो डिज़ाइन है वो बनाया है डीआरडीओ ने, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसने एक मोबाइल मेटेलिक रैंप का डिज़ाइन सौंपा है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखो रैंप का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, मेटेलिक मतलब मेटल की बनी हुई सीढ़ी, मोबाइल का मतलब होता है जिसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, यानी कि ऐसी सीढ़ी बनाई है, ऐसी सीढ़ी का डिज़ाइन बनाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी और जिसको रक्षा कार्यों में यूज़ किया जा सकेगा, मतलब वो पोर्टेबल सीढ़ी होगी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता हो। तो यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो, डीआरडीओ की तरफ से भारतीय सेना को एमएमआर का डिज़ाइन सौंपा जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इस समय जो डीआरडीओ के चीफ हैं उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बनेगा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सेवानिवृत्ति आयु जो है वो कितनी कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको 60 साल कर दिया गया है, यानी कि अब 60 साल के बाद में ही यहाँ पर आपको रिटायरमेंट मिलेगी।
साथ ही साथ में ये भी आदेश दिया है कि सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी, इन सभी के कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट की एज है इसको 60 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसकी जो एज है वो 60 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के सारे प्रश्नों के, सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और इससे अच्छा वीडियोस बनाऊं तो वीडियो को लाइक और जितने भी व्हाट्सएप पर दोस्त हैं सभी के साथ में शेयर करो। शुरू करते हैं क्विज। दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न जिसका आंसर आपको देना है, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? जलवायु परिवर्तन पर 28वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे कठिन है लेकिन इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। जेसी बोस नेशनल फेलोशिप से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सभी लोग करंट अफेयर्स 2019 को इसी तरीके से तैयार करते रहेंगे, इतना मेरा चैलेंज है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो आपके 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।